मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आयकर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े लोगों के यहां आयकर विभाग के छापों से मिली रकम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यहां कहा कि जो चोरी करता है वो पकड़ा जाएगा। अगर मोदी गलती करता है तो आयकर को मोदी के घर में भी रेड करनी चाहिए। श्रीलंका की पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है जिसमें कहा गया है कि कुछ इस्लामिक चरमपंथी देश में सूफी मस्जिदों को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। इन मस्जिदों में श्रीलंका के कप्पू पुल्ली या औलिया मस्जिद कहा जाता है। डेली मिरर के अनुसार चेतावनी पत्र को ऑनलाइन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। धमकी के मद्देनजर मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गवई अंदाज करिश्माई व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद के जीवन में ये पहला आम चुनाव है जब वे जेल में हैं। वे चुनाव में अपनी भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उन्हें किसी न किसी रूप में चुनाव के साथ जोड़े हुए है। पाटिल पुत्र संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी और राजादा अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री मीसा भारती अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय पूरे वक्त लालू की तस्वीर गले से लगाए रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जल्द ही 20 रुपए का नया नोट जारी करने का ऐलान किया है। महात्मा गांधी न्यू सीरीज के तहत जारी होने वाले इस नोट पर गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर होंगे। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 20 रुपए का नोट थोड़ा हरा पीला रंग का होगा। नोट के पीछे देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली एलोरा की गुफाओं के चित्र हैं। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि 20 रुपए के पहले से ये चलन भी मौजूद सभी नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यह नोट का आकार 63 mm × 12 mm होगा। श्रीलंका पुलिस ने सीरियल ब्लास्ट से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। शनिवार को सुरक्षा बलों ने बट्टीकलोआ में सीरियल ब्लास्ट के जिम्मेदार लेने वाले आतंकी संगठन आईएस और नेशनल तौहीद जमात के जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को गोली से उड़ा लिया। इनमें 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 बच्चे 3 महिलाएं भी शामिल हैं।